नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टो सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्ट दो साधु और दो शिष्य से संबंधित मौखिक कौशल और लिखित कौशल का बतलाया था। आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों का उत्तर लिख लिए होंगे। आज मैं आप लोगों को इसी पाठ से संबंधित लिखित कौशल का ख नंबर कराने जा रहा हूँ। आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे अवश्य लिखते जाइएगा। देखो बच्चों, ख नंबर है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। इसमें सही उत्तर दिए गए हैं, उसी सही उत्तर पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो आप देखें, सही उत्तर पर सही का चिन्ह ऐसा चिन्ह लगाना है कि ना, इसमें पहला था साधु कितने शिष्यों के साथ जा रहे थे। साधु जी जो थे वह अपने कितने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो ऑप्शन में आपका दिया गया है दो, दूसरा नंबर तीन और तीसरा चार। तो इसमें आप लोग दो पर सही का चिन्ह लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा में देखिए, कुएं में से पानी निकालने के लिए कौन सा बर्तन था। उस कुएं पर कौन सा ऐसा पात्र था या बर्तन था जिसके माध्यम से कुएं से पानी निकाला जाता था। इसमें आपका ऑप्शन है पहला घड़ा, दूसरा लोटा और तीसरा बाल्टी। तो इसमें आप लोग कुएं में से पानी निकालने के लिए बर्तन में बाल्टी पर आप लोग सही का चिन्ह लगा दीजिएगा। तीसरा नंबर है, पानी लेकर कौन आया। ऑप्शन है पहला गोपाल, दूसरा मधुर, तीसरा साधु। तो पानी लेकर कौन आया, तो यह इसमें मधुर में लगा दीजिएगा, क्योंकि गोपाल की वाणी में या आवाज में मिठास नहीं थी। हालांकि गोपाल ने भी उस बुढ़े आदमी से जो कुएं पर बैठा था पानी मांगा, लेकिन उसकी वाणी में कोई मिठास नहीं था, इसलिए वो बुढ़ा आदमी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मुंह मोड़ दिया। इसलिए गोपाल को पानी से वंचित कर दिया गया, गोपाल को पानी नहीं मिला और वही मधुर जब गया बुढ़े के पास, तो मधुर वाणी में मीठी वाणी में उसने बाबा को यानी बुढ़े आदमी को प्रणाम करके शिष्टाचार के नाते वो सब कुछ किया और उसको बूढ़े आदमी ने पानी दिया। तो इस तरह से पानी लेकर कौन आया, तो पानी लेकर मधुर आया, जैसा कि इसका नाम है वैसा भी इसका गुण भी था। इसके बाद ये आपका ख नंबर समाप्त हुआ। ग नंबर में आप देखें, सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरो। बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों को चुन करके ये जो खाली स्थान दिए गए हैं इसी में भरना है। जैसे आपका पहला दिया गया है गर्मी, दूसरा मिठास, तीसरा हैरानी, चौथा कुआं। इन्हीं चार शब्दों को इसमें सही दे करके और भरना है, जिसमें पहला है आपका गोपाल की आवाज में, तो इसमें आप मिठास भर दीजिएगा। गोपाल की आवाज में मिठास नहीं थी, इसमें मिठास शब्द भरिए। इस तरह से ये गोपाल की आवाज में मिठास नहीं थी, आपका ये पूरा हुआ। दूसरा नंबर तेज पड़ रही थी, तो इसमें आपका ये गर्मी हो जाएगा, इसलिए गर्मी पर आप लोग सही का चिन्ह ऐसे लिख करके और गर्मी लिख दीजिएगा खाली जगह में। गर्मी, तेज गर्मी पड़ रही थी। तीसरा नंबर, उन्हें
दिखाई दिया। इसमें कुआं भर दीजिएगा तो उन्हें एक कुआं, इसमें कुआं भर दीजिए, उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। चौथा नंबर, गोपाल उसे और ये लाके है अनिल। इसमें आप लोग हैरानी भर दीजिएगा तो चौथा नंबर हो गया, गोपाल उसे हैरानी से देखने लगा। इस तरह से बच्चे ये आप लोगों का ख और ग समाप्त हुआ। इसके बाद घ नंबर में देखें, उसमें किसने कहा, किससे कहा, ये आपको दो प्रश्नों का उत्तर इसमें बतलाना है कि किसने कहा और किससे कहा। पहला आपका बेटा जाओ और उस आदमी से थोड़ा पानी मांग कर लाओ, ये किसने कहा और किससे कहा, तो इसमें भरेंगे साधु, पहले में साधु भरेंगे, यानी साधु ने किससे कहा, गोपाल से कहा, इसमें आपका हो जाएगा साधु और उसमें गोपाल। किसने कहा मैं साधु और किससे कहा, गोपाल से कहा। दूसरा नंबर देखें आप, ओ बुढ़े मुझे थोड़ा पानी देना, यह बात किसने कही और किससे कही, तो यह बात ओ बुढ़े मुझे थोड़ा पानी देना, गोपाल ने बुढ़े आदमी से कहा। इसमें आप लोग किससे कहा मैं गोपाल और किससे कहा बुढ़े आदमी से कहा, तो गोपाल और बुढ़े आदमी भर दीजिएगा। तीसरा नंबर है आपका बाबा जी प्रणाम, तो बाबा जी प्रणाम ये किसने कहा, मधुर ने कहा, किससे कहा बुढ़े आदमी से कहा, तो बाबा जी प्रणाम यानी मधुर ने बुढ़े आदमी से कहा। इस तरह से चौथा नंबर आप देखें, लास्ट मीठी बोली से बिगड़े काम भी बन जाते हैं, तो मीठी बोली से बिगड़े काम भी बन जाते हैं, ये बात किसने कही, तो ये गुरु जी ने यानी साधु जी ने, गुरु जी ने किससे कहा, गोपाल से कहा। क्या कि गोपाल देखो मीठी बोली बोलोगे तो बिगड़े हुए काम भी बड़ी आसानी से बन जाएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों मैंने आप लोगों को बतलाया था ये साधु और दो शिष्य के माध्यम से कि कभी भी आप लोग कठोर वचन का, कर्कश वचन का प्रयोग मत कीजिएगा, जहां भी रहिएगा समाज में या कहीं भी मीठी बाड़ी का ही प्रयोग कीजिएगा, इससे आपके बिगड़े हुए काम भी और पाषाण जैसे हृदय भी पिघल जाएंगे, साथ ही आप समाज के प्रिय आदमी बन जाएंगे। इसलिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि मीठी वाणी से चारों तरफ सुख की अनुभूति होती है और कठोर वचन से कुछ फायदा नहीं होता है, इसलिए आप लोग इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। साथ ही मौखिक और लिखित कौशल में जो आपके प्रश्न का उत्तर लिखवाया गया है इसको आप याद कीजिएगा और एक पेज नकल अवश्य सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। ये सभी चीजें आप लोग स्कूल खुलने के बाद देखी जाएगी। आज इतना ही रहने दें, इसके बाद कल की वीडियो में मैं आप लोगों को भाषा कौशल के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।